उनकी माता चुप हो गई और चुप होकर कहने लगे कि महात्मा जी, आपको ये बात शोभा नहीं देती है। मैं दुख के लिए नहीं रो रही, मैं तो मेरे प्रेम के कारण, मेरे भगवान को याद करके मेरे प्रेम के आंसू आ रहे हैं, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, इसलिए रो रही हूं मैं। तो मैं ये सोच करके शब्द नहीं किए। संत, तुम संत नहीं हो सकते। तुमको संत के ऊपर तुम्हारा जो है चेहरा है, पर तुम संत नहीं हो सकते। तुमको ये शब्द बोलने ही नहीं चाहिए। अरे कुंती माता, मैंने क्या गलती कही है? जब भगवान तुम्हारा रिश्तेदार है, रक्षक है, त्रिलोकपति है, लक्ष्मीपति है, फिर तुम भूखे दरिद्र रह रहे हो। मैंने क्या गलत कहा है? बोलो, बिल्कुल गलत कहा है संत जी। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े आनंददायक हैं, बड़े सौम्य हैं और बड़े कृपालु हैं। बोलो ये कैसे? बोलो ये ऐसे, हमारे शास्त्र की उल्लंघन हमारे बेटों ने किया, किसी का सभा में अपमान करना महापाप है, दुर्योधन के लिए उन्होंने जो है क्या कहते हैं हंसी और मजाक की, क्या ये महान पाप नहीं किया उन लोगों ने? जुआ का नाम लेना ही पाप है, जो क्या उन मेरे लड़कों ने जुआ नहीं खेला? क्या महान पाप नहीं किया? अनजान आदमी पाप कर ले तो कोई बात नहीं, पर ये विद्वान पढ़े लिखे और भगवान के शरणागति होकर जुआ खेलते हैं, क्या ये अपराध नहीं किया उन लोगों ने? जुआ खेलने के अपराध में नाश हो जाता है। भगवान शिव और पार्वती ने जुआ खेला, दोनों के विरोध हो गया, बहुत मुद्दत तक वो बोले नहीं। जहां जहां जुआ खेला है वहां वहां नाश होता चला गया है, क्या मेरे बेटों ने जघन्य अपराध नहीं किया है? क्या मैंने राज्य के प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की? ये मेरा जघन्य अपराध नहीं है? अरे वो तो अंतर्यामी भगवान है, इतने महान अपराधों को भी वो ध्यान न देकर के हमारे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। ये क्यों नहीं कहता महात्मा की रक्षा गृह से मेरे बच्चों को उन्होंने जिंदा बचाया, 12 साल के अंदर में हमारी प्राण रक्षाएं की, हमको तपस्या की ओर लगाया और हमारा आनंद कर दिया। आज के प्रेमी लोग शरणागत होने के बाद भगवान से और गुरु से शिकायत करते हैं कि हम तो शरणागत भी, हमें क्या मिला? अरे तुम्हें वो मिलेगा जो संसार किसी को नहीं मिला, पर इंतजार तो करो, इंतजार तो करनी पड़ेगी। पूर्व जन्म का लहना पाई, तुम अपने हृदय पर हाथ रख करके देखो तुमने भगवान के प्रति कितने जघन्य अपराध किए हुए हैं और संतों के प्रति कितने अपराध किए, फिर भी ध्यान न देकर भगवान और संत तुम्हें बराबर गले से लगाता चला जा रहा है, बराबर तुम्हारी रक्षा करता चला जा रहा है, बराबर तुमको अन्नपूर्णा से दूर नहीं होने देना जा रहा, देना चाहता है। क्या ये कम रक्षा है? विचार कीजिएगा। तो कुंती ने कहा कि मैं तो भगवान के नाम के लिए द्वंद कर रही हूं, मुझे भौतिकवाद से क्या लेना देना? वो दे दे तो बहुत अच्छी बात और न दे दे तो अच्छी बात, क्योंकि भगवान के शरणागत होने में अगर उसके वैभव की शरणागति होते तो हमने भगवान के लिए वैभव की शरणागत हुए, अर्थात हमें कुछ उनसे चाहिए तो हम चाहिए कि शरणागत हुए। अरे शरणागत तो वो माना जाता है कि वो नंगा है, चाहे फकीर है, चाहे कुबड़ा है, चाहे काला है, चाहे लुला है, चाहे लखपति है, चाहे करोड़पति है, चाहे अरबपति है, कुछ भी है भगवान, वो हमें उनसे क्या लेना देना? बोले यार की यारी से काम, बदफैलियों से क्या लेना देना? उसकी क्या बदफैली है वो जाने, हमने तो तुझसे प्यार किया है राम, हमने तेरी शरणागत हुए नारायण, तू क्या है कौन है हमें पता नहीं है, उसका नाम है शरणागति। और शरणागति हो जाने के बाद एक भी व्याधा नहीं रहती। बाल्मीकि की शरणागति उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, इसको लोग कहते हैं उल्टा नाम मरा मरा का, बिल्कुल गलत है मेरे प्रेमियों विद्वानों, ये गलत है। अरे जो जिसकी वाणी की ताकत है, वाणी है उसमें मरा क्यों बोलेगा, वो राम भी बोलेगा, क्यों नहीं बोलता जब उसके बाद जीवे तो? ऐसा नहीं है, उल्टा मरा नहीं बोला तो राम ही, पर उल्टा क्या उल्टा? वो भौतिकवाद की ओर से उलट गया और आध्यात्मिक जगत की ओर पलट गया और तब राम का नाम लिया, ब्रह्म हो गया। मेरे प्रेमियों, गृहस्थ से तो बिल्कुल दूर होना नहीं चाहते, दूर से मतलब बाबा जी नहीं, एक घड़ी, आधी घड़ी, एक मिनट, दो मिनट, पांच मिनट, पूजा के टाइम तो हम कम से कम पूरे घर बार को त्याग करके प्रभु तू है मेरा ऐसा कर ले। और जब शरणागत हो जाने के बाद में आपको कोई कमी नहीं रहेगी मेरे प्रेमियों, निश्चित है। ये बताइए गोप का ब्रज के अंदर में कौन सी माला भजती थी,
या कोई योगी उनको योग सिखाता था, और आज अध्यात्म ज्ञान के विषय वाले उद्धव जी पहुंचे तो बेचारे बिना पीटे छोड़ दिए, उन्होंने पीटती, वो तो बड़ा निश्चय पीटती गारंटी से। वे उद्धव जी ने कहा कि तुम उसके पीछे क्यों पड़ रही हो, वो तो हाट मास मलमूत्र का शरीर है, वो तो साकार शरीर है, अरे निराकार की पूजा करो, ब्रह्म की पूजा करो, गोपिकाओ। पर उन्होंने कह दी उधो मनन होत दस बीस, अरे उधो हमारे मन तो दस बीस हो नहीं सकते, एक मन श्याम संग लागो, एक मन था वो उस श्याम के साथ में लग गया, अब हम क्या करें, हम तो साकार को मान बैठी, लुट बैठी, लुट गई, अब क्या करें। उद्धव जी चुपचाप चले जाओ, उदो तो सूदो भयो, ऐसा लिखा है नहीं लिखा, अजी उद्धव जी टेढ़े बाके थे, टेढ़े बाके का मतलब ये है वो है तर्क बितर्क के, पर उद्धव तो सूदो भयो, वो उदो सूदा हो गया और गोपकाओं के पैरों में लेट गया और ज्ञान गुदड़ी के अंदर उलट पुलट होता रहा, उसको होश कई दिन निकल गए ज्ञान गुदड़ी में, क्यों ज्ञान गुदड़ी में संवाद हुआ था गोपका गीत का, वहां पर वो लौटते रहे कई दिन हो गए, भूखे प्यासे आंखों में आंसू, हा और जाकर कृष्ण जी से लड़ गए, बोलो तुमने तो मुझे धोखा दिया, अरे साकार की जो है असली उपासना है वो तुमने मुझे नहीं बताई, तुम तो जो है धोखेबाज रहे और मुझे उस योग में ध्यान में फंसाते रहे। बोलो उद्धव जब तक आत्मा को ज्ञान नहीं होता जब तक उसको मैं साकार दीदार नहीं कराता, इसलिए तू और भटक ले, बोलो अब तो मैं नहीं भटकता, पैरों में पड़ गया, शरणागत हो गया। तो शरणागत एक ऐसी वस्तु है मेरे प्रेमियों, जो शरणागत हो जाने के बाद हमें चिंता ही नहीं रहती। ये बहन बेटियों की शादी होती है, अरे शादी तो होती है, और शादी होने के पहले जब बाप चर्चा करता है बाप जी घर में आकर, तो वो क्या कहती है लड़कियों में लड़कियां, अरे बहन आज तो बड़ा गजब की बात हो गई, के हो गयो बहन, के हो गयो बहन जी, अजी आज तुम्हारा बापला जी हमारी मासू बात कर रहा कि छोरो देखे हमने, मारी सगाई करवा को छोरो देखियो है, खुशी हो गई। और सगाई पक्की हो गई तो घर घर में रिश्तेदारनी में पड़ोसन में सहेलियों में आज सगाई हो गई मेरे प्रेमियों, कितनी खुशी हुई उसको, और विवाह हो गया। जब उसके पहले रोई कि अम्मा जी मैं तो थारा बिना एक मिनट भी नहीं रहूंगा, मैं तो मर जावांगा, मैं तो एक मिनट जीवो मारा तो हराम हो गयो, हाँसू बिछड़ के मैं तो मर जावाला, मां तुझे मैं नहीं छोड़ सकती, मर जाऊंगी। और शादी होकर चली गई, जब माँ के घर आई तो माँ कहती बेटी दो दिन रुक जा, बोले माता जी क्षमा कर दो, मैं एक मिनट भी नहीं रुक सकती, उनको एक मिनट नहीं छोड़ सकती। अरे ऐसा नहीं होता, नहीं होता, ऐसे होता है। अरे जो माँ के लिए मरने को तैयार हो रही थी वो कहती है माता जी मैं तो भाग दौड़ में आ गई हूं, अब तो मैं रात को नहीं रुक सकती, क्यों कि सुबह सुबह उनको आलू के परौंठे बनाने हैं, उनको दही जमा कर खिलाना है, उनको आलू के परौंठे अच्छे लगते हैं, मेथी की सब्जी अच्छी लगती है, बनाकर खिलाना है। माँ कहती है तू तो मेरे बिना मर जाती, बोलो कहां का मरना करना, अब तो उनके बिना मर जाऊंगी। ये बताइए शादी होने के बाद में वो लड़की क्या घर से चक्की लाती है, या आटे की बोरी लाती है, या चावल की बोरी लाती है, या चीनी की बोरी लाती है, मकान घर पर आज लाती है, बताइए लाती है। वो जिसकी शरणागत हो गई वो अपना आप मकान बनाता है, अपना आप आटा लाता है, अपना आप चक्की लाता है, अपना आप सब इंजाम करता है, रहने की व्यवस्था करता है, पर वो शरणागत हो गई। शरणागत का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं हंसने के लिए नहीं, जैसे एक पत्नी पति की शरणागत होकर के रहती है कि वो दिन भर काम उसी के लिए करती है, अगर वो श्रृंगार करती है तो पति के लिए करती है, क्रीम पाउडर लगाती है तो पति के लिए लगाती है, शरीर को स्वस्थ रखती है पति के लिए रखती है, और बताइए कारण क्या है, वो समाज के लिए थोड़ी करेगी, वो जितनी मेहनत करती है वो पति के लिए करती है, इसका नाम है शरणागत। इसलिए हम लोग काम करें रोटी खाएं, कौन कह रहा है तुम रोटी बंद कर दो, किसने कह दिया तुम काम मत करो, गोपका भी काम करती थी तुमसे 10 गुना ज्यादा, आज तुम्हारे मशीन लगी तुरंत दही लिया रड़क लिया, दही भी कितना तुम्हारे किलो 2 किलो, उनके यहां होता था 100-100 किलो 200-200 किलो दही, और हाथ से मलती थी, कितना काम था उनका, पर उनका उनकी एक ही भाव थे
कि हे भगवान, ये तेरे लिए निकाल रही हैं, ये बच्चे भी तेरे हैं, मकान भी तेरा है, मैं भी तेरी हूं, मेरा पति भी तेरा है। समर्पण भाव कर दिया। हालांकि वो खाती थी, ये थोड़ा हमसे ज्यादा खाती थी, हम तो 100 ग्राम 200 ग्राम खाते हैं, वो तो करीबन जो 4-4, 6-6 किलो तो मट्टा पी लेती थी। जब तो बेचने जाती थी, रस्ते में भूख लग जाती तो मथुरा के पेड़े खा लेती, और फिर घर पर भूख आग लगती 8-10 रोटी खा लेती। खाने में कमी थोड़ी थी उनके, खाती थी। पर मैं हम भगवान का प्रसाद खा रही हैं, ये भगवान जी तेरी देन है, तेरी कृपा का प्रसाद है। आज हम चटकारा लेकर के खाते हैं, भगवान का नाम ही नहीं आने देते बीच में, ये तो बहुत अच्छी बात रही। भगवान पाते नहीं है, अगर भगवान पाने लग जाए तो बिल्कुल ही भगवान की मूर्ति को भोजन कट्टे हम निकाल के बाहर फेंक दें, पर ये गनीमत है वो खाते नहीं है। जब वो खाते नहीं है, जब भी हम उनके सामने नहीं रख सकते, उन्हें प्रश्न है तब निवेदित भोजन करें ही। भगवान को निवेदन करके, गुरु को निवेदन करके ही हमें ग्रास खाना चाहिए, वो अन्न है। और भगवान को निवेदन करके नहीं खाया जाता, वो पाप खा रहे हो तुम। अन्न नहीं खा रहे, पाप। अन्न के अंदर अनेक अनेक प्रकार के पाप है। तो साधारण मैंने उदाहरण इसलिए दिया, जैसे पत्नी पति के लिए सब कुछ कर रही है, ठीक उसी तरह से भक्त के लिए, शरणागत के लिए, भगवान के लिए ही करना चाहिए। भगवान जी तेरे लिए ही हम नौकरी कर रहे हैं, तेरे बाल गोपाल है, इनको पालने के लिए मैं इतना काम कर रही हूँ, ये तेरे ही तो हैं बाबा, ये रोटी तेरे लिए तो बनाइए, अब तू नहीं मान रहा तो मैं प्रसाद खा लेती हूँ, क्या खाए 20 रोटी, पर तेरा खा रही हूँ। और मेरे प्रेमियों, ये ऐसा मेरा चैलेंज है, दावा है, सत्य है, और अकाट सत्य है, 100% सत्य है, कि आप ठाकुर जी के सामने भोग लगा करके और तोल करके भोग लगाइए, दोबारा तोल लीजिए, 1 किलो में 100 ग्राम की गारंटी नहीं तो 10 ग्राम की मेरी गारंटी है, अगर 10 ग्राम न बढ़े तो बाबा जी झूठा। तो जो 10 ग्राम बढ़ाए वो प्रसाद बन गया है, वो भगवान ने अपना अमृत प्रदान कर दिया आप लोगों को, रिद्धि सिद्धि कर दी है। जिन घरों में भगवान जी के, ठाकुर जी के जो भोग लग करके रसोई में भोग नहीं लगता है, नहीं भोग नहीं लगाती बहन बेटियां, उनके यहाँ अन्न धन की रिद्धि सिद्धि होती नहीं। हर दिन हर 8वें दिन जो आटे दाल को भागते ही रहते हैं, और कोई आगे दो तो कमी पड़ गई, 3 दिन बार सब्जी बनती रहती है, क्यों? उनकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। ठाकुर जी महाराज को भोग लगा करके आप प्रसाद को रखिए, उसमें रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, आनंद हो जाएंगे, बच्चों की बुद्धि सुधर जाएगी, पति देवता प्रसन्न हो जाएंगे, पितर देवता प्रसन्न हो जाएंगे, और ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। ये साधारण उपाय बता रहा हूं मेरे प्रेमियों, 3 दिन का सार। अगर आप लोगों को नॉर्मल उपाय करना चाहिए, और भगवान का भजन आपका दिल चाहे जहां पर करें। भक्तमाल में कथा पढ़ी मैंने, भक्तमाल के अंदर एक भक्त भगवान का नाम ले रहा था, राम 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 राम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, गोविंद गोपाल, और कहां ले रहा था, टट्टी जा रहा था, डोल डाल में बैठा हुआ था, यानी टट्टी फिरने के लिए जंगल में बैठा है। राम 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 राम, सीताराम राधे श्याम, हनुमान जी निकले, बड़ा बुरा लगा उनको, ये नीच नाला कहीं के, अरे बेवकूफ के बच्चे, तू अपवित्र जगह में मेरे पवित्र राम का नाम ले रहा है। अब क्रोध उसको करे, जीव बेचारा खत्म हो जाए, चलते चलते घोटे की हवा दे दी, केवल हवा, घोटा नहीं मारा, घोटा मारने से पार टूट जाए, वो घोटे को यूं करके निकल गए, वो तो बेहोश हो गए, बेहोश हो गया, अंग भंग होने लग गया हवा मात्र से। उधर को भगवान राम जी से मिलने के लिए जाते, राम जी करा रहे थे, मर गया, अरे मर गया, वो रो महान नालायक, महान नीच, वो हनुमान जी दुष्ट ने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए, अरे मैं तो मरा। हनुमान जी सुन रहे हैं, उन्होंने आंख बंद कर ली थी, आंख बंद के कह रहे हैं कि वो दुष्ट हनुमान, वो पापी हनुमान ने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए, मुझे दुख दे दिया, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा। अरे अन्याय, मेरे राम जी क्या कह रहे हैं, जगाया आंख नहीं खोले, करवट ले जाए, अरे उस वो हनुमान मेरे सामने आ गया, तो मैं क्या क्या कर दूं। उन्होंने कहा महाराज, ये दास हनुमान आपके सामने खड़ा हुआ है, अपराधी, किस तरह अपराधी है, और जो आपकी मर्जी है तो कर दो। बोले हनुमान, एक रस्ते में भक्त मिला था तुम्हें, बोले हाँ मिला था, क्या कर रहा था वो, बोले जय सिया राम, जय जय सिया, मैं काम क्या कर रहा था, टट्टी जा रहा था, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे मूर्ख,
मैंने उसको कष्ट दिया है, वो मेरा भक्त है, और कहीं भी समय कुसमय असमय अपवित्रता में मेरा नाम ले सकता है, कोई हर्ज नहीं। क्योंकि नाम जिभ्या और आत्मा से लिया जाता है हनुमान, और जिभ्या आत्मा कभी टट्टी पेशाब नहीं जाती। टट्टी पेशाब जाने के टाइम भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। मेरी पूजा का विधान नहीं है, बाकी नाम ले। जैसे गोपिकाएं नाम लेती थी, मेरी बहन बेटियों आप भी ऐसे ही लो। भोजन बनाओ तो कहो कि ठाकुर जी बाबा गुरु बाबा तेरे लिए बना रही हैं, तुम्हारे बच्चों को खिलाओ। पर हमने ये कहे तो कह दो हमारे लिए बना रही हैं। अरे हमारे लिए बना रही हैं तो कमती कैसे हो जाएगा, फिर हम देखें, फिर तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, कमती हो जाएगा। और हमारा नाम लेकर बनाएंगे, एक दिन मान लो अन्न नहीं रहा तो तुम भूखी नहीं, भूखा मेरा कैसे भी कमा कर ला कर दूंगा वापस। पर तुम मेरा नाम तो लो, तुम तो अपना आप बनाती हो कचौड़ी समोसे, खुद खा जाती हो, कभी नाम भी लिया है बाबा जी तू भी खा ले, बाबा जी खा ले। इसलिए इसी का नाम पराभक्ति है, इसी का नाम परम सेवा है, इसी का नाम शरणागति है। मेरे प्रेमियों, शरणागत हो जाने के बाद कुछ भी अवशेष नहीं रह जाता है। फिर तुम्हारे यज्ञ, तुम्हारे दान, तुम्हारे पुण्य कमती करो, ज्यादा करो, पर भगवान के लिए करो। फिर भगवान के लिए करने के बाद कोई कमी नहीं रहती, फिर भगवान तुम्हारा है और तुम भगवान के हो। गणित तो आप लोग पढ़े ही होंगे सबके सभी, एक मैं अनपढ़ हूं इसलिए पूछा है मैंने, क्यों मैं तीसरी पास आज तक नहीं कर पाया, हमेशा तीसरी फेल ही होता रहा हूं, और वो भी बड़े बेकार तरीके से फेल होता रहा हूं। मैं आज तक तीसरी पास नहीं कर पाया जी, इसलिए मैंने कहा आप तो पढ़े लिखे हो गए मुझे छोड़ के, मैं तो नहीं, हमेशा तीसरी फेल रहा हूं। तो मैंने काम ढिंडोरची का ले लिया कि ढिंडोरची पीटने वाले को आईएएस की जरूरत नहीं है, क्वालिफाइड की जरूरत नहीं है, एमए बीएड की जरूरत नहीं है, बीए बीएड की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, अनपढ़ भी ढिंडोरा पीटता है। तो मैं तीसरी फेल हूं मेरे प्रेमियों, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछ लिया, शायद आप लोग तो पढ़े लिखे होंगे इसलिए पूछ लिया, कोई ये मत करना कि मैं अन्यथा मत लेना, क्योंकि अनपढ़ आदमी पूछता है हमेशा कि आप पढ़े लिखे हो तो मेरा ये पढ़ा दो। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष चार क्लास होती हैं, एक धर्म, एक अर्थ, एक काम और एक मोक्ष। धर्म अर्थ काम में कितने जीवन मैंने निकाल दिए, पर मोक्ष मैंने आज तक जान करके फेल हो जाता हूं तीसरी में, यानी काम नाम फेल हो जाता हूं, ताकि मुझे भगवान और जन्म दे दे और मैं तेरा ढिंडोरा पीटूं और पीटूं और पीटूं और पीटूं। इसलिए तीसरी फेल हूं उस कक्षा में, धर्म अर्थ काम मोक्ष कक्षा में, मोक्ष लेना नहीं चाह रहा हूं खुद। ये तो मेरे मोक्ष तो अपने हाथ में है, क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, जब क्रेडिट कार्ड और जो आइडेंटिटी कार्ड दूंगा तो चला जाऊंगा, कौन रोकेगा मुझे, पर मैं जाना नहीं चाह रहा हूं। अगर मैं चला जाऊंगा तो ये आनंद कैसे मिलेंगे हरिपुर के अंदर में, देखिए इन लोगों से कहा, हरिपुर के अंदर में संस्था वालों से कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, ये क्या दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है जो इतना बड़ा पांडाल लगा रहे हो। अरे कोई छोटा सा लगा लो दो टेंट, इतना बड़ा पांडाल लगा लिया, पर कल भी तुमको बढ़ाना पड़ा और प्रेमियों आज भी बढ़ाना पड़ गया, यहां से वहां ले गए फिर भी भरा हुआ है देखो, क्योंकि ये माल खराब बिकेगा, खराब माल में तो लैंड लगा कर ली जाती है, लैंड लग जाती है खरे माल के लिए, बिल्कुल मिलावट नहीं, स्वदेशी घी, शुद्ध प्योर घी मिल रहा है मेरे प्रेमियों, अमृत रहे, इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई धोखा नहीं। अगर धोखा हो, नक्काल हो तो मैं जिम्मेदार हूं कि मैं उस मालिक का माल बेच रहा हूं, अगर नक्काली माल हो तो मुझे दे दीजिएगा वापिस, आपको फिर हम नया माल दे देंगे, और फिर भी निकले तो फिर नया माल दे देंगे, और नहीं 100 गुणी कीमत दे देंगे, गारंटी है मेरी, क्यों मैं एजेंट है उसके, और कंपनी के लिए माल हमारा नकली लेना ही पड़ेगा, उसके लिए हमारी कंपनी नकली माल बनाती ही नहीं, नकली माल बेचती नहीं, बाकी नकली आदेश होते ही नहीं, नकली माल कैसे निकलेगा, असली माल बिकाया। इसलिए हमने कहा कि आप लोग संगत वालों से कहना है कि ये टेंट तुमको और डबल ट्रिपल कर देना है, तब भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी लोगों को, जो माल बेच रहा हूं साधारण बात में। मेरे प्रेमियों में ये कहने वाला था, वो प्रसंग मेरा जो दिमाग से उड़ा तो नहीं है, कि ये खराब माल की दुकान हो गई और खराब माल बेचने के लिए ये ढिंढोरची है, मैं अनपढ़ आदमी हूं तीसरी फेल हूं,
आप लोग पढ़े लिखे हो, एलजेब्रा एक गणित है, एलजेब्रा मैं नहीं जानता हूं, मैं सच बोल रहा हूं कि मैंने ज्यादा लपड़े में पढ़ा ही नहीं, मैंने तो एक रे एक दो और दो चार ऐसा ही पढ़ा, डोडा डम्मा पौना चार पढ़ा मैंने, और पढ़ा ही नहीं है। एलजेब्रा होता है क्या? एलजेब्रा है जी, होता है। अब वो होता कैसे? पर मैं ऐसे सुनता हूं विद्यार्थियों से कि उसमें सपोज एलजेब्रा के अंदर में ये कहते हैं विद्यार्थी लोग सपोज, अब सपोज क्या है? ऊंट है, घोड़ा है, गधा है, तो मुझे पता है, पर सपोज हमने एक दिन पूछा भाई सपोज क्या होता है, बोलो मान लिया। सपोज का मतलब है मान लिया। और इवन हम तो समझते सपोज नाम का कोई जानवर होगा, सपोज नाम की कोई खाने की चीज होगी, मान लिया। बोलो क्या मान लिया भाई, ये तो बताते हमको, हमें सीखना तो पड़ेगा क्या मान लिया। बोले एक्स वाई जेड ये ऐसा है नहीं, जो मर्जी है सो मान ले। बोले हाँ हाँ मर्जी है जो मान ले। फिर क्या होगा? बोले उत्तर आ जाएगा, और हम तो सपोज नहीं करेंगे तो बोलो महाराज जिंदगी में उत्तर ही नहीं आएगा। एलजेब्रा का उत्तर सपोज के बिना नहीं आएगा। सपोज मान लिया, मान लिया राम, मान लिया कृष्ण, मान लिया नारायण, मान लिया हरि, मान लिया उसको, मान लिया जो जगतपति है उसको मान लिया। सपोज मान लिया, मान लेने का नाम ही शरणागति है। और क्या होती है शरणागति? मान लिया कि तू मेरा परमात्मा है, मैं तेरा जीव हूं, आज से तेरी ही सेवा करूंगा, तेरे नाम की सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा, घर की सेवा करूंगा, बच्चों की सेवा करूंगा, और तेरी सेवा मान के करूंगा, बच्चों में तेरा भाव देखूंगा और सेवा करूंगा, पत्नी में लक्ष्मी माँ का भाव देखूंगा सेवा करूंगा, सेवा नहीं लूंगा सेवा दूंगा ही दूंगा। पत्नियां जिद कर लेगी नहीं हमें सेवा देनी देनी है, लेनी है ही नहीं, ये नहीं हम करेंगे सो होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा नाम, इसका नाम ही शरणागति है। सपोज मान लिया, और सपोज नहीं मानेंगे तो उत्तर नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो पढ़ा लिखा नहीं, मैंने विद्यार्थियों से कहा भाई तो वो एलजेब्रा कैसे लिखते हैं? बोलो ऐसे लिखते हैं बाबा, एन जे ब रा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर एल की तरह हम टेढ़े हो गए, भगवान कहां रहता है, बाबा जी से क्या फायदा है, क्या सत्संग होता है, अमुक क्या है, ठाकुर जी कहां रहते हैं, फला जगह रहते हैं, वहां रहते हैं, तो एल अगर उस लैंग्वेज में से एल को निकाल देते हैं तो बाकी क्या रह जाता है? ओहो मैं तो नहीं कह पाऊंगा। हमारे ये कह रहे फलारे स्वामी के एल को निकाल देने के बाद जेब्रा रह जाता है खाली, और जेब्रा नाम है धारीदार गधे का जो अमेरिका के पहाड़ों में पाया जाता है, और चाहे प्लेन गधा है चाहे धारीदार गधा है, मेरे प्रेमियों गधे की तरह आए, गधे की तरह वजन ढोते ढोते मर जाओगे। एलजेब्रा सपोज मान लिया, अगर नहीं माना मेरे प्रेमियों तो गधे की तरह आए, गधे की तरह चले गए, इसमें बिल्कुल गलती नहीं है। और गधा नाम आप ऐतराजी मत मानना, ये फलारी स्वामी अलवर वालों ने कहा है, मैंने नहीं कहा है कि भाई मैं फलारी गया हूं, अभी अमेरिका से आया, अभी हमारे संघ की ओर से गए हैं, हिंदू सनातन धर्म की ओर से गए हैं, और ये अभी जो अधिवेशन हुआ है उसमें आपको चुनकर भेजा गया, तो अभी इन्होंने इशारा दिया गधा, तो धारीदार गधा, जेब्रा मतलब मैं तुरंत जान गया धारीदार गधा है, चाहे वो प्लेन गधा है चाहे धारीदार गधा है, गधा गधा है। अगर सपोज मान नहीं लिया तो मानव जीवन बेकार हो जाएगा, इसलिए मान लो, और मान लेने का नाम ही शरणागति और कुछ नहीं होता है। मेरे प्रेमियों शरणागति में बड़ा खेल बनता है, शरणागति में बड़ी व्याधाओं से बच जाता है। हम तो राजस्थान के रहने वाले हैं शरीर, वैसे सर्वदेश का हूं कि राजस्थान का नहीं हूं, सर्वदेश दिशा काले स्वव्याहस्त पराक्रमा, मेरा कोई देश नहीं कोई मेरा गांव नहीं, मैं तो हरिपुर का हूं। आज हरिपुर वाले जब निकाल देंगे तो चला जाऊंगा, अभी कल निकाले परसों निकाले, निकालेंगे जरूर, ये मुझे पता, रखेंगे नहीं, ये जरूर है निकालेंगे, आज निकालते कल निकालते, फिर मैं कहीं जाऊंगा जब वहां का हो जाऊंगा तो हमारा बाबा जी होगा, क्या देश क्या गांव क्या ठिकाना क्या नाम कुछ नहीं, हम तो चलते फिरते बाबा जी हैं। तो कहने का भाव हमारा जन्म राजस्थान में है,
तुम्हारा राजस्थान की एक बात याद आ गई शरणागति के ऊपर। एक बकरी रह गई जंगल में, बकरी तो आप जानते होंगे, बकरी जंगल में रह गई, सायंकालीन हो गया तो बकरी को खाने वाले तो जानवर बहुत जंगल में, अरे बकरी को तो झाड़ झाड़ लागू है, तो वो तो बकरी रह गई, अब तो बेचारी करे क्या, बैठ गई। सबसे पहले उस रास्ते से भालू महाराज आए, अब वो बैठ गई, भालू आए बोले बकरी की बच्ची, बोला हां सरकार, बोले खड़ी हो, बोले अच्छा सरकार हम तुझे खाएंगे, बोलो जरूर खाइए, हम बने इसलिए हैं तुम्हारे खाने के लिए हमारा जन्म हुआ है, खा लीजिए महाराज, क्या करें, और कर भी क्या सकती थी वो। पर ये देखो, उसने नीचे को दिखाया तो शेर का पंजा था, उस पंजे के साथ बैठी हुई थी, शेर के पंजा का मतलब शेर का खोज, पंजा का खोज, खोज था शेर का। बोले ये क्या है, बोलो ये तो हमारे महाराज जंगल के जो है राजा का खोज है, तो देख लो मैं तेरी की शरण लेकर बैठी हुई हूं, मैं तो आप खा लीजिए तैयार हूं, आई एम वेरी श्योर मैडम, आई एम वेरी श्योर, रॉन्ग नंबर, मैं तो गलत समझ गया, आप आराम से बैठ जाइए, मैं चल दिया। तो आंटी जी हम चल दिया। भालू के बाद में बघेल आ गया, यानी नार की तीसरी क्वालिटी बघेल, रे खाएंगे, बोले हाँ खाइए, ये देख लीजिए, बोले ये क्या है, ये क्या है, बोले शेर का पंजा है, तो इसकी शरणागत होकर बैठी हुई, इसका सहारा दे रखा है मैंने, ये कह गया है मुझसे, वो भी अपनी बाय बाय करके चला गया। और उसके बाद में और हिंसक पशु आ गए, चीता वगैरह आ गए, बोले बकरी की बच्ची, बोले हाँ सरकार खाएंगे, बोलो खा लीजिए, पर ये देख लीजिए, बोले तो शेर का खोज है, पंजा है, आई एम वेरी सॉरी आंटी जी, क्षमा करना, उनसे कह मत देना ये बातें, हम आए थे। वो भी चले गए और शेर जी महाराज आ गए, खुद शिकार नहीं करी, भूखा पेट अरे दन्नाते हुए आ गए, ऐ बकरी हाँ महाराज खड़े हो गई महाराज, हम भक्षण करेंगे, बोले कर लीजिए महाराज, पर ये देखो ये क्या है, बोले ये तो मेरा पैर है, तो बोले इसकी मैं शरणागत होकर पड़ी हुई, अब से पहले आप जैसे सैकड़ों आ गए, तमाम आंटी जी का रिश्ता बनाकर चले गए, किसी ने कुछ नहीं कहा हमसे, आप खा लीजिए मुझे बहुत खुशी होगी, इससे बड़ी प्रसन्नता क्या होगी मुझे कि आप जो है जंगल के राजा मुझे खाएं, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य हो ही नहीं सकता, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, खा लीजिए महाराज। बोलो नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते, खाओ, नहीं खा सकता, तेने मेरे चरणों की शरणागति ले रखी है इसलिए नहीं खा सकता, तो खाना पड़ेगा, अगर नहीं खाओ तो मुझे मेरे घर पहुंचा दो। बोले बकरी मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता, पूरा त्राही त्राही मच जाएगा, शहर के अंदर में अस्त व्यस्त हो जाएगा, नहीं जा पाऊंगा, बट ठहर मैं पहुंचाऊंगा। हाथी को पकड़ कर लिया शेर, बोले हाथी के बच्चे, बोले हां सरकार इस बकरी के लिए इसके घर पहुंचा, जिधर जिधर इशारा करे, खग जाने खगी की भाषा, उधर उधर इसके घर उतार के आना, कोई रास्ते में छोड़ के आएगा ठीक बात नहीं है। हाथी ने कहा ठीक है, सूंड फैला दी, सूंड पर जो है बकरी चढ़ गई, और उसके शरीर पर नाच कुछ लंबा चौड़ा होता है, बकरी तो इतनी जगह में नाच लेती है, और बड़ा डील डोल उसको जमीन मिल गई पूरी, खूब नाच कूद करते रहे, कभी मस्तक पे पैर मारे, कभी कहां मारे, और ऊंचा तो इतना होता है कि रास्ते में जो भूख लगी उसको पेड़ों में खाती रही। तो हमारा राजस्थानी शब्द में कहते हैं कि खोज पकड़ विश्राम ले, योग ध्यान तप क्रिया नहीं, विश्राम, विश्राम कहते हैं सहारा, विश्वास, खोज पकड़ विश्राम ले, धनी मिले लो आए, शेर मिल गया ना करके, धड़ी मिले लो आए, गजिया गज मस्तक चढ़ी, वो बकरी गज के मस्तक पर चढ़ गई, मस्तक पर कोई चढ़ाता है वो हाथी, बकरी को मार देगा वैसे,
और घर पहुंची है जाए, अपने घर उस हाथी की सवारी पर बैठकर पहुंच गई। मेरे प्रेमियों, भगवान का नाम का सहारा और उसके चरणों का सहारा ले लोगे तो वो भगवान के पार्षद आपको विमान में ले जाएंगे, बैतरणी नदी से पार ले जाएंगे, सर्वनाशा नदी के पार ले जाएंगे और बिरजा नदी के पार दिव्य वैकुंठ लोक में पहुंचा देंगे। वहां यमराज का बेचारे का कुछ पेश ही नहीं जाएगा, यमराज बिल्कुल बोलेगा नहीं, यमराज चुप हो जाएगा। वही काम कीजिए आप, योग ध्यान धारणा। मेरी अरस्तक जो प्रेमी करते हो आज से छोड़ करके भगवान नाम ले और उसके चरणों का सहारा ले ले, अगर जीवन सुधारना है तो, और वरना आपकी मर्जी हो, जिद्दी हो तो जो आपका मन है सोई सोई करो। हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हमारे तो कमीशन चल रहा है, तुम माल खरीदो या मत खरीदो, हमें तो मिलेगा ही मिलेगा। हम तो ये कह देंगे हरिपुर में गए, तेरी आवाज नहीं मानी उन लोगों ने, हम क्या करें, और मान लोगे तुम्हारी अपील कर देंगे, गारंटी वाली बात है, सत्य है, भगवान को साक्षी करके ऊंची हाथ भुजा उठा कह रहा हूं कि अपील कर दूंगा हरिपुर में तेरी बात मानी गई है, हरिपुर में तू हरि बस और वहां आनंद कर दे, हरियाली पैदा कर दे, खुशहाली पैदा कर दे। और जो माल मेरा नहीं खरीदोगा तो मेरे प्रेमियों हरिपुर हरिपुर ही रहेगा, फिर तो हरिपुर का हापुड़ है ही है, हम क्या करेंगे। और हापुड़ से हरिपुर बनाना चाहता है जिस बाबा जी के कहने को मान लेना, मेरे प्रेमी गारंटी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं मेरे मालिक की ओर से, मैं नहीं, मेरे मालिक का कहना है कि हरिपुर को फिर हरियाली, फिर आनंद, फिर हरी हरी आनंद यहां फिर पुनः होने लगेंगे और एक आनंदोच्चारण होने लगेगा, बशर्ते बाबा जी की बात को मान लिया तो। नहीं माना तो मेरे प्रेमियों सौ सौ बार नमस्कार। श्री पीसी शर्मा लखनऊ निवासी, मैं डॉक्टर यश हैं कि माइक के ऊपर ही संत लोग नामदान दे लेते हैं, क्या यह शास्त्र सम्मत है? मेरे प्रेमी जिनकी जिज्ञासा है, नामदान तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जन्म लेते हैं जब भी बच्चे का नाम आपके माता पिता आपका नाम रखा ही होगा, ये भौतिकवाद की बात है। आध्यात्मिक जगत में ना थोड़ी देर के लिए शांति का दान और दे दें, जब आप तीन दिन से इतनी अथाह गर्मी के अंदर बैठे हुए हैं तो ये मेरी प्रार्थना है कि मंगलमय आशीर्वचन आप लेकर के ही जाएं। ये जब ये प्रश्न आया है कि नामदान क्या जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है मेरे प्रेमियों, बिना नाम के दान लिए बिना जो है जीवन का कल्याण नहीं होता, क्योंकि भगवान ने सृष्टि के प्रथम काल में यही बनाया। जब सृष्टि की समाप्ति हो गई, प्रलय हो गया और प्रलय के बाद में पुनः रेव दोबारा से सृष्टि का प्रादुर्भाव करने का संकल्प लिया तो श्री देवी रुदन करने लग गई और रुदन करके कहने लगी कि प्रभु आप तो पहले वाली सृष्टि बना रहे हो, मैं तो इसलिए रो रही हूं, मुझे रोना ही पड़ेगा। उसी भगत में नामदान का संस्कार किया गया। भगवान ने कहा पंच संस्कार विधि, पांच प्रकार के संस्कार करके अर्थात व्रतम होमम यज्ञादि करके, प्रायश्चित यज्ञ करके, यज्ञोपवीत धारण करा करके और उनके लिए यज्ञोपवीत तिलक इत्यादि धारण करा करके, दग्धांग कितम येंग संघ चक्र मुद्रा ते वैष्णवा कथमा चरंती, संघ चक्र मुद्राओं से मुद्रांकित करके और मंत्र का उपदेश अष्टाक्षर का करके उसका अर्थ समझाए, वो उस मंत्र के जाप करने से वो जीव कभी नरक में नहीं जाता, कभी किसी प्रकार के महान झंझट और क्लेशों में नहीं आता, किसी प्रकार के उसको उपद्रव व्याधि नहीं होती, अगर होती है तो पूर्व जन्म के संस्कार से थोड़ी बहुत होकर के बंद हो जाती है। इसलिए नामदान लेना बहुत जरूरी है। माइक पर तो गीत गाया जाता है, माइक में मैंने सत्संग सुना दिया, नामदान का प्रमाण बाबा नानक देव जी दे रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब की मूल प्रति 1362 पेज पर, 1362 पेज के ऊपर मूल प्रति में पढ़ेंगे, बाबा लिख रहे हैं कि जगदीश्वर घट घट पूर रहे मेरे जीवन प्राण, भव बंधन मेरे कटे जब मंत्र दियो गुरु कान। नाम दान तो कान में ही होता है, अनंतनाथ जब ही जागृत होता है, माइक पर तो कथा है, माइक पर नाम देने का नाम मैं स्वयंवर कहता हूँ, स्वयंवर है वो तो पांच नाम डाल दिया, बोलो जैसा पति चुनना है चुन लो, ये नामदान नहीं हुआ, ये तो स्वयंवर हुआ, ये नामदान का महत्व तो नहीं होता, नहीं माना जाता है। नामदान तो प्रत्येक जीव को पंच संस्कार विधि करके कान के द्वारा दिया जाए उसी का नामदान है,
और दान क्या है, नाम तो है पर दान क्या है। दान वो ऋषि, वो मुनि, वो तपस्वी, वो गुरु ये संकल्प लेता है कि मैंने मेरे जीवन काल में जितना तप किया उसका कुछ भाग मेरे शिष्य को दे दिया जाए। तो दान असार नाम के साथ तपस्या का दान दिया जाता है। श्री राजीव गोयल ठाकुर निवासी सच्चा प्रणाम करते हुए जानना चाहते हैं, गुरु एवं सदगुरु में क्या भेद है, मानव जीवन में सदगुरु की क्या आवश्यकता है। मेरे प्रेमी, हमारे गुरु ग्रंथ साहब को जब पढ़ते हैं तो उनमें चार गुरु लिखे, आदि गुरुवे नमः, जुगादि गुरुवे नमः, सदगुरुवे नमः और गुरुवे नमः। आपने दो ही पूछे हैं तो चार की बात हो रही है, पर दो गुरु आपने बताए तो दो गुरु है, एक शिक्षा दीक्षा का भौतिकवाद का गुरु जो एक के अलावा अनेक लाखों बनाए जा सकते हैं, जो संसार का काम सिखाए, व्यापार सिखाए, रहना सिखाए, विद्या सिखाए, पढ़ाए। जैसे बाबा ने गुरुए नमः कहा, उनके गुरु पंडित हरदयाल शास्त्री जी थे जिन्होंने वेद पढ़ाए थे, पुराण पढ़ाए थे, वो गुरु थे। और सदगुरु उनके लिए कहा, भक्त रेणु जी के लिए जिन्होंने नाम दान दिया और उनको एक मार्ग दिखाया कि इस नाम का स्मरण कर तेरी मोक्ष हो जाएगी। इसलिए भौतिकवाद के गुरु अनेक हो सकते हैं, आध्यात्मिक जगत का गुरु एक ही होता है जो सद्मार्ग देता है। ये दोनों के अंतर है। एक आध्यात्मिक गुरु होता है जो आध्यात्म अखंड मंडलाकारम व्याप्ति येन चराचरम तत्पदम दर्शितो येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो एक ही होता है जो सद्मार्ग बता करके उस मार्ग पर चला देता है। भौतिकवाद के गुरु अनेक होते हैं। मास्टर रूपचंद जी जानना चाहते हैं कि गया जी और बद्रीधाम में जिनके हम पिंड दान कर देते हैं, क्या श्राद्धों में उनके भी हमें दोबारा से पिंड दान करके देना चाहिए। मेरे प्रेमी, अधिकस्य अधिकम फलम। आप गया जी जाकर अपने पिंडों से विदा होना चाहते हैं, इसका मतलब आप ये पितरों से प्यार नहीं करते हो। वहां विदा कर दिया, छोड़े है जंगल में टिकट कटा करके। अरे आप बद्री नारायण करें और जगह करें, वो प्रेतों से आपने पितर बना दिए हैं। अगर पितरों का आपने पिंड प्रदान कर दिया तो देव पितर हो गए। पितर नौ प्रकार के हैं, एक तरह का पितर नहीं होता। वो नौ प्रकार के पितर है, आपने पिंड प्रदान गया जी में किया है तो प्रेत को पितर बना दिया है, और अगर पितर का पिंड प्रदान किया तो उसको देव पितर बना दिया है, और देव पितर के लिए अगर पिंड प्रदान किया तो देव बना दिया है आपने, परंतु उसको छोड़ नहीं सकते। उनके लिए अन्न जल पिंड प्रदान तो करना ही चाहिए, करें न करें वो मर्जी पर करना ही चाहिए, ऐसा शास्त्र मत है और ये स्वामी सुदर्शनाचार्य का मत है। ये अपना मत नहीं चलाता, ये शास्त्रों का मत ही बोलता है। जैसे हमने 38 शास्त्रों का मत परसों के दिन आपके सामने 38 शास्त्रों का रखा, हमने छपवा रखा है, आपको बांट जाएंगे, 38 शास्त्रों में पढ़ लें। 38 शास्त्रों में पिंड प्रदान का गया जी में प्रेत मोक्ष हो जाती है। प्रेत मोक्ष का मतलब पितर बन गया, मोक्ष होकर के देव बन गया, फिर भी उसको आपको देना ही चाहिए। हाँ मेरे प्रेमियों, आपके लिए स्वस्ति वाचन करते हुए शुभकामना, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपको सुख हो, ऐसी शुभकामना उस परमात्मा से कर रहा हूं। मैं ऐसा मान रहा हूं कि परमात्मा तेरा माल यहाँ जो लगाई गई थी सेल परचेज बहुत अच्छी हुई है, तो उसके लिए कुछ तो वो देगा ही देगा ना, हमको तो देगा ही पर आप लोगों को भी देगा। सेल परचेज अच्छी हुई तो अच्छी सेल परचेज के लिए अच्छी चीज देंगे वो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नता स्वस्ति नो ठहरिए। यहाँ पर आप विद्वानों ने बोला और मैं भी बोल रहा हूँ कि 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र है, स्वस्ति न इंद्रो। वो इंद्र देवता नूनाम निश्चय करके आपका कल्याण करे। कौन सा कल्याण? आपके भाग्य की वृद्धि करे, आपकी आयु की वृद्धि करे, आपके यश और धन की वृद्धि करे। स्वस्ति न इंद्रो हो वृद्धि स्रवाहा, वो आपका भाग्य और कल्याण की वृद्धि करे। स्वस्ति न पूर्का विश्ववेदाहा, पूका नाम है रोमों का, हमारे 72 करोड़ रोमे हैं।
72 करोड़ रोमों का एक एक रोम का एक एक देवता है, अर्थात वो 72 करोड़ पूषा देव आप लोगों की रक्षा करें, अर्थात आपका नहाता बाल न खुसके, कोई आपका बाल बांका न कर सके हिंदी भाषा में, अर्थात वो पूषा देव आपके त्वचाओं की रक्षा करें, बाल की रक्षा करें। पूषा विश्व वेदाः, संसार में चार वेद हैं, ऋग यजु साम और अर्थ, और चारों ही वेद भगवान की पूजा के लिए, धन कमाने के लिए अर्थवेद है, और अनेकानेक चारों वेद चारों जो है गुण सिखाते हैं, वो चारों वेदों के चारों गुण आप लोगों में वो वेद महाराज कृपा करके गुण प्रदान करें। विश्व वेदा स्वस्ति नता रक्षो वर्ष नेमी स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र और उनका गुरु बृहस्पति जी महाराज हैं। मैं बृहस्पति जी महाराज से गुरुपद पर होने के नाते स्वभाई से प्रार्थना करता हूँ कि हे बृहस्पति जी महाराज, आप दिव्य हैं, अर्थात दिव्य लोक में हैं, देव लोक में हैं और परम तपस्वी हैं, उतने हम नहीं हो पाएंगे। अर्थात ये आपसे मेरी प्रार्थना है कि हे बृहस्पति देव, जिस तरह से मंत्रों से तुम इंद्र के लिए स्वस्थ रखते हो, संपन्न रखते हो, धनवान बनाते हो, उन्हीं विद्याओं से उन्हीं ऋचाओं से मेरे प्रेमियों के लिए इंद्र के सदृश धनवान बलवान और प्रेमी बनाए। आगे बोलिए। पायोधा पायस प्रदिश संतु मह्यम पय। पय शब्द जो है जल का है, पय नाम अमृत का है, दोनों ही शब्दों में पय शब्द का प्रयोग होता है, पय नाम अमृत पय नाम जल। यहां सर्वप्रथम वेद पृथ्वी और जल की बात कर रहा है। पय है पृथ्व्याम, पृथ्वी और जल जब दोनों का मेल बनता है तो औषधियां पैदा होती हैं, सुंदर सुंदर औषधियां होती हैं, अच्छे अच्छे वृक्ष पैदा होते हैं, प्लांटेशन लगाए जाते हैं। पय पृथिव्याम पय औषधीशु, वो औषधियों के देवता अश्वनी कुमार हैं और धन्वंतरी जी महाराज हैं। अर्थात वो अश्विनी कुमार और धन्वंतरी जी आप लोगों की आयु की रक्षा करें, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करें, आपके ऐश्वर्य की रक्षा करें। पय पृथिव्याम पय औषधीशु, और औषधियों में से अमृत निकलता है, अमृत रूपी औषधि होती है, तभी तो मरते हुए को बचा देती है। वो औषधियों के जो गुण अमृत के सदृश हैं, वो अश्विनी कुमार और धन्वंतरी जी आपको गुप्त रूपेण पान कराएं, आपको सुख आनंद की अनुभूति दिलाएं। पय पृथिव्याम पय औषधीशु पयो दिव्यंतरिक्षे दिव्य अंतम यश्यान्ते से दिव्यांत। दिव्य नाम आकाश का है, उससे भी अंत नाम उसके भी परे वहां समुद्र है अमृत का भरा हुआ खजाना, वहां से वो परमात्मा वो देव वो चंद्रमा अमृत की बिंदु हमेशा डालता रहता है, किन्हीं को प्राप्त होती है वरना नहीं होती, वो अमृत बिंदु डेली का काम है, वो हमको ये ने केने प्रकार है, चाहे वो वाणी के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा, भगवान के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा, वो हमको अमृत मिलता रहे। पय पृथिव्याम पय दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदेश संतु मह्यम। विष्णु विष्णु तमसि विष्णु स्लप्ते सो विष्णु शूरसि विष्णु विष्णवे भगवान विष्णु का यहाँ 7 बार उच्चारण किया है, जबकि वेद में 1 से 2 बार उच्चारण कम किया जाता है, अधिक से अधिक 3 बार का प्रमाण मिलता है कि त्रैवारम वचन भी 3 होते हैं, लोक भी 3 होते हैं, पर यह विष्णु का 7 बार प्रयोग हुआ है। ओम विष्णु ररात मसी गिन लीजिएगा 7 बार है। ये 7 बार वेद ने क्यों कहा है कि ये परतत्व बताया कि अनेकानेक रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, यहाँ ये भाव लिया जाता है, वेद ये भाव लेता है कि वो विष्णु अनेकानेक रूपों में, 33 करोड़ देवताओं के रूप में है, पितर के रूप में अनेकानेक रूपों में है, अनेकानेक जो विष्णु हैं वो हमारे प्रेमियों के अनेकानेक रूप में आकर के, संत के रूप में आकर के, भगवत के रूप में आकर के, या परिवार के रूप में आकर के, समाज के रूप में आकर के रक्षा करे और कल्याण करे, आनंद करे, वो विष्णु भगवान। अग्निर्देव सूर्यो देवता चंद्र दश देवता
बृहस्पतिर देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता, ये देवताओं का नाम आया है। अग्निर देवता, अग्नि देव को प्रथम नमस्कार क्यों किया गया कि हमारे पेट में अगर जठराग्नि नहीं होगी तो मर जाएंगे, आफरा आ जाएगा, पेट फूल जाएगा, भोजन नहीं पचेगा। भोजन आते नहीं पचाती, अपितु अग्नि है या जिसको जठराग्नि कहते हैं वो पचाती है। वो अग्नि देव हमारी रक्षा करे, यज्ञ अग्नि हमारी रक्षा करे, यज्ञ अग्नि है, यज्ञाग्नि है, जठराग्नि है हमारी रक्षा करे। वो अग्निदेव अग्निर्देवता, वातो नाम है हवा, वायु देवता हमारी रक्षा करे। पांच वायु तो हमारे शरीर में 2400 घंटे रहती हैं, प्राणोपान समानस्य दान वायुस्य वायवः, प्राण अपान समान व्यान उदान, ये पांचों प्रकार की वायु हमारी रक्षा करे। इनमें एक वायु अगर कुपित हो जाती है तो बीमार हो जाता है, रूस जाती है तो मर जाता है। अर्थात ये पांचों प्राण वायु समान भाव से हमारे शरीर में रहे, हमारे प्रेमियों के शरीर में, ताकि स्वस्थ शरीर पुष्ट शरीर रह करके अच्छे से अच्छे काम में और उद्योग परिश्रम करते हुए धन का लाभ करें, यश का लाभ करें, शरीर की वृद्धि करें, भाग्य की वृद्धि करें, समाज की उन्नति करें। अग्निर देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, इसके बाद सूर्य देवता है। सूर्या में, सूर्य भगवान के अंदर में एक रेजे हैं जो मनुष्य को ओज प्रदान करती हैं, इन पेड़ों के लिए भी ओज प्रदान करती हैं। इनको कमरे में लगा दीजिए, सूखना शुरू हो जाएगा, पीला पड़ना लग जाएगा। बाहर लगा दीजिए, फिर हरियाली आने लग जाती है। उसमें एक जीवनदायिनी शक्ति होती है, उष्णता होती है, रेजे होती हैं। वो रेजों से हमारा शरीर ओजस्वी होता है, तेजस्वी होता है, बलस्वी होता है। सूर्यो देवता, वो देवता प्रसन्न होकर मेरे भगवत प्रेमियों पर, इन सत्संग प्रेमियों पर अपनी कृपा करे और यश बल प्रदान करे। यश बिना सूर्य के बिना नहीं होता। आप हम लाखों लाखों काम करते हैं फिर आप यश ही मिलता है, इसका मतलब सूर्य वीक है, आपका सूर्य कृपा नहीं कर रहा है। हस्त पामिष्ट के पास जाएंगे आपके सनलाइन खराब है, इसलिए सल नाम सूर्य की आप आराधना करें। पर मैं आराधना की नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूं सूर्य से प्रार्थना कर रहा हूं कि सूर्य अगर मैं तुम्हारे मालिक का, मेरे मालिक का नहीं तुम्हारे भी मालिक का माल बेच रहा हूं तो ये काम तुमको करना ही पड़ेगा, अवश्य किए है, क्योंकि अगर तुम काम नहीं करोगे दुकान ठप हो जाएगी। सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, चंद्रमा हृदय का मालिक है। जब चंद्रमा की वीकता होती है तो हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट में खराबी होने लगती है। अर्थात हृदय का मालिक और अमृत का मालिक चंद्रमा है। वो मेरे प्रेमियों के हृदय को मजबूत रखे, शांत रखे, सुहित रखे, श्रेष्ठ रखे, अमृत का दान देता रहे। चंद्रमा देवता, वसुदेव देवता, रुद्रा देवता, दित्या देवता, अदिति देव है, और चारों तरफ के नौ ग्रह देव हैं, अष्ट वसु हैं, 10 दिक्पाल हैं। वो दसों दिशाओं से और ऊपर से नीचे से हमारे प्रेमियों की रक्षा करें। जितने भी शत्रु असोच्यानन असोचत्वम, वो अशोचनीय वस्तु भी सामने आ जाती है, उनका ये सोच न करें, आनंद से रहें। अर्थात सर्व शत्रु विनाशनी, सब प्रकार के शत्रुओं का नाश स्वतः होता रहे प्रभु, ऐसी रक्षा आप करें। वसो देवता, रुद्रा देवता, दित्या देवता, मर्तो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। वरुण नाम जल का है, जल के बिना हम एक थोड़े क्षण मात्र भी नहीं जिंदे रह सकते। जल की जब कमी होती है तो हार्ट घबराने लगता है, बॉडी में जल कम हो जाता है तो डॉक्टरों के पास जाकर के हमें वो बोतल चढ़वानी पड़ती है, ग्लूकोज वगैरह जो है। इसलिए वो जलदेव हमारे शरीर से कम ना हो और वो पुष्ट जलदेव हो, कोई रोगी जलदेव ना हो, स्वस्थ शरीर वाला हो। इसलिए वरुण देव आप मेरे प्रेमियों के शरीर में रह करके ओज तेज से रक्षा करें, बल से रक्षा करें, बाहर और भीतर रक्षा करें। वरुणो देवता, अब ये देवता रक्षा करने के बाद भी एक बहुत जरूरी अंग है, वो शांति है। वो शांति लाने से नहीं आती, परमात्मा की कृपा से होती है। ये गुण साधन से नहीं हो ही, और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, कोई कोई पर कृपा कर देता है, शांति मिल जाती है। वरना तो धन में शांति नहीं, पद में शांति नहीं, किसी चीज में इंद्र को भी शांति नहीं, वरुण को शांति नहीं, भगवान को भी शांति नहीं। वो शांति तो जो है केवल वो भगवान कृपा करता है तब मिलती है। जो हो शांति शांति,
शांति मा शांति सर्व शांति शांति देव शांति सा मा शांति रे धीहि। अर्थात हे परमात्मा की परम प्रिया सेविका शांति, आप मेरे सब भगवत प्रेमियों के लिए, सत्संग प्रेमियों के लिए शांति अवश्य प्रदान कर। द्यौ हो शांति, केवल तेरे से गुजारा नहीं, द्यौ नाम आकाश पृथ्वी, इनके अंदर में जो है शांति है, वो शांति भी मेरे प्रेमियों को मिले। द्यौ हो शांति अंतरिक्ष, वो अंतरिक्ष में जो शांति है वो भी प्राप्त हो। द्यौ हो शांति अंतरिक्ष एवं शांति पृथ्वी, शांति पृथ्वी देवी भी शांति प्रदान करे। पृथ्वी शांति, जव भव शांति रेव शांति, सामा शांति रेदि सुशांतिर्भवतु। ये सब जितने भी पंच भौतिक वायु तत्व जल तत्व वाले शांति प्रदान करें एवं शांति से गुजारा नहीं है। हे मेरे परमात्मा, मेरे सत्संग प्रेमियों के लिए शांति नहीं अपितु परम शांति। एक शांति तो होती है जो भौतिकवाद के भोजन मिल जाने से हो जाती है, शांति मिल गई अब सोएंगे, वो शांति फिर भूख लगा देती है। परम शांति जो सदा आनंद ही लेते रहें, और यहाँ का आनंद लेते लेते वहाँ का भी आनंद लेते रहें, और यहाँ और वहाँ बाबा नानक तेरी रखे। बाबा नानक जी कहते हैं को हरि तेरी यहाँ भी और वहाँ भी दोनों जगह की लज्जा रखा, यहाँ वहाँ नानक तेरी रखे। बाबा नानक जी फरमान कर रहे हैं को हरि तेरी यहाँ और वहाँ रक्षा करेगा, अर्थात आपकी यहाँ भी और वहाँ भी रक्षा हो, आपको सब प्रकार का सुख मिले, ऐसी मेरी सुम मंगलमय कामना है। मेरे प्रेमियों, मेरे बाबा का फरमान, जिसकी दुकान का माल बेच रहा हूँ उसका फरमान, माल का फरमान, जिसका माल बेचता हूं मेरे प्रेमियों, साधारण दुकान का नहीं बेचता मैं, देवी दुर्गाओं का भी माल नहीं बेचता, बोलो तुम्हारी तुम बेचती फिर अलग अलग दुकान लगा करके, मैं तो उसका माल बेचता हूं जो देवियां भी उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, इंद्र भी हाथ जोड़े खड़े रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनसे मोक्ष की इच्छा रखते हैं, 33 करोड़ देवता भी मोक्ष की इच्छा रखते हैं, जितने भी देव है सब उसकी इच्छा रखते हैं। उस बड़ी कंपनी का माल बेचता हूँ, उस बड़ी कंपनी के मालिक से बाबा से हमने कहा कि बाबा हरिपुर का क्या हाल चाल है, बोले हरिपुर का हाल बड़ा अच्छा रहा है, माल तेरा बिक गया है, उस थोड़ा बहुत तो बचता है, अरे 25% माल तो बच ही जाता है, रिफ्यूज हो जाता है, कोई हर्ज नहीं। अगर एक व्यापारी का 75% माल बिक गया तो ये मानो कि उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, 25% तो रह ही जाते हैं, माल में क्या कमी है, बिब्बी हमारी पूरी बिक्री हो गई। तो हमने कहा बाबा इनके लिए कुछ अब बिक्री तो इनने करा दी थी, पर कुछ तो चाहिए ना इनको, कुछ चाहने में बाबा का फरमान है मेरे प्रेमियों, मेरा फरमान नहीं है, क्यों मैं तो हाड मांस मलमूत्र का शरीर हूं, मेरी तो ये मांस की जिब्या है, मेरा क्या कहना और मेरी कहना किस बात का है। उस बाबा का फरमान है कि मेरे माल की बिक्री हुई है, अर्थात यहाँ के प्रेमियों से हरिपुर से कह दो कि 1.25 महीने के अंतर्गत जिसने जिस जिस भाव से सत्संग को सुना है उनकी मनोकामना पूर्ण होंगी, ऐसा उजागर में कह दे, ऐसा मेरा मंगल है। तू तो कर ले भरोसा रे गुरु जी के।
छूटता सारा जमाना रे गुरु जी के चरणों में, छूटता सारा जमाना रे गुरु जी के चरणों में। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ ¡Gracias!
मन हो जा दीवाना रे गुरु जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे गुरु जी के चरणों में, तेरी लेंगे खबरिया रे गुरु जी तो पल भर में, कर ले ठिकाना रे गुरु जी के चरणों में, तू तो कर ले ठिकाना रे गुरु जी के चरणों में, तू तो कर ले भरोसा रे गुरु जी के चरणों में, झुकता सा